तो हमें अभी अभी पता चला है कि हम जिस बिल्डिंग में घर ले रहे थे उन्होंने हमें निकाल दिया है। सीन हो गया, पता नहीं कोई तो लीगल पेपर का सीन था, नाम वाम गलत था राघव का। हम यहाँ सारा सामान लेके सड़क पे आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। And welcome. Today is Saturday, and today is the day I'm gonna be moving to my new place in San Francisco. पूरा मूव इन नहीं होने वाला हूँ मैं, वो मैं बताऊंगा क्यों मैं पूरा मूव इन नहीं हो सकता आज के ही दिन। लेकिन आज का दिन है कि अब मैं अपना सारा सामान लेके वहां छोड़ाऊंगा और हम वो वाला घर सेटअप करेंगे नई तरीके से। So if you're excited for this journey as much as I am, stay tuned. अब बस बात इतनी सी है कि मेरे पास यहाँ पे ही बहुत सारा सामान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब इस सारे सामान को हमें फिर 4 फ्लोर नीचे लिफ्ट से जाना है। हाँ, फिर सारा सामान लेके गाड़ी में डालना है। रख रख दे, देखते हैं पकड़ लेंगे। ये उठ जाएगा, तो ये उठ जाएगा, ये तो मैं टांग लूंगा ये, क्योंकि मैं आज वापस लेके आ जाऊंगा ना। फिर घर कर दे बंद के हिसाब से। चल इसका घर बंद कर दो। अब बाकी का सामान लेने के लिए भी अर्पित भैया आ चुके हैं, आप हेलो बोल दो एक बार। हेलो भाई। तो बाकी का सामान लेके भी हम नीचे चले जाएंगे। ये वाला मैं उठा लेता हूँ, मैं जिम जाता हूँ ना। मैं भी जिम जाता हूँ। अच्छा फिर उठा लो। तो हम पहुंच चुके हैं अपने न्यू घर के एड्रेस पे। अब यहाँ से हमारे पास जो सामान है हमें ये निकाल के अपनी नई वाली बिल्डिंग तक लेके जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सामान है तो एक बार में नहीं लेके जा सकते, और अभी जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो सब भी देखना पड़ेगा। तो सिर्फ विजिबल वाला सामान जो गाड़ी से कोई लेना चाहे हम वो वाला निकाल लेंगे। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, यहाँ हम पैसे दे रहे हैं पार्किंग के। और यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में गाड़ी की पार्किंग सेफ नहीं है। यहाँ क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी का कांच तोड़ के जो भी सामान होता है वह निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जो भी सीट पे सामान था हमने वो निकाल लिया, डिक्की वाला अभी रहने दिया है। बस इनको हिंदी ना आती हो वरना मेरी बात सुन लेंगे कि डिक्की में सामान है, और कोई है नहीं आसपास जो सुन पाए मेरी बात। तो मुझे लगता है हम ठीक होएंगे, लेकिन रिस्की तो होता है यहाँ पे थोड़ा। ये हमारी नई वाली बिल्डिंग है, ये वाली। ये राघव है, ये मेरे साथ घर पे रहेगा। हेलो। हम लिफ्ट में है, हमारे पास अपना ये कुछ सामान है। ये मेरा बेड फ्रेम आ चुका है यहाँ पे, और अब लिफ्ट से हम जा रहे हैं 4th फ्लोर। इनको बताना थोड़ी मैं कहाँ रहता हूँ। अरे एक सेकंड में जरा बाहरी सामान उठा रहा हूँ। तो करंटली मैं अपने घर के अंदर कदम रख चुका हूँ, प्रवेश कर चुका हूँ। ये मेरे घर का मेन दरवाजा है, लेकिन मैं प्रॉपर टूर दूंगा बाद में। अभी क्या है कि हमें अभी हमने सामान रख दिया, अभी मेरा बाकी सामान गाड़ी से यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है कि जो मुझे एसेंशियल्स चाहिए अपने घर के लिए अभी एकदम से, वो हम कोई दुकान में जाके किसी तो स्टोर में जाके खरीदेंगे। कहीं तो फिर रूम में लड़ाई हो रही है, एक रूम में लाइट ज्यादा आती है, विंडो बड़ी एक में छोटी है। तो अभी हाथापाई होने वाली है, मैं तैयार हूँ। अब हमने अपना बाकी का सामान भी रख दिया है फ्लैट में। अब हम जा रहे हैं सारी बेसिक चीजें लेने, जो एसेंशियल चीजें, जैसे अभी बेडशीट चाहिए होगी, टॉवल्स चाहिए होंगे, हैंगर्स चाहिए होंगे इनकी, क्योंकि अलमारी भी ऐसी नहीं होती जिसमें शेल्फ होते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्लास्टिक बॉक्स ले लेंगे, हैंगर ले लेंगे। तो अब ये सब खरीदने जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? कॉस्को। और ये मैं पहली बार कॉस्को जाऊंगा, लेकिन कॉस्को में अर्पित भैया बता रहे हैं कि सीन ऐसा रहता है कि जैसे हमें 5 चीजें लेनी है, लेकिन वो अपने आप में ऐसी बड़ी सी दुनिया लगेगी कि हम 50 चीजें उठा लेंगे। तो वो ना हो इसका ध्यान रखते हुए हम कॉस्को से शॉपिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम एंटर कर चुके हैं कॉस्को के अंदर, काफ़ी बड़ा है यहाँ, तो पहले ढूंढना ही पड़ेगा हमें कि एक्चुअली जाना कहाँ है, वरना हम कॉस्को में ही खो जाएंगे। तो अभी तक हमने ये किचन टॉवल और टॉयलेट पेपर ले लिए बड़े सारे, एक ये है एक ये है, बहुत सस्ते में बड़े सारे ले लिए हमने। यहाँ होलसेल मिलता है बेसिकली कॉस्को में ना सब सामान। और आज सैटरडे है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है कि यहाँ ट्रॉलियों का जाम लग चुका है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू जी। हमने इतने पूरी कार्ड भर ली है, मैंने एक पिल्लो भी ले लिया अपने लिए मेमोरी फोम का, राघव ने अपने लिए 2 लिए मोटे वाले, मैं तो लेता नहीं। एक हमने डिनर सेट ले लिया है, टॉवल्स ले लिए हैं, और क्या क्या है, ये चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। काफी शॉपिंग चल रही है यहाँ धड़ाधड़, लेकिन जो को सब कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ सामान हम टारगेट से ले लेंगे, कुछ हम यहाँ से ले लेंगे, ऐसे करके हम अपना पूरा घर सेटअप कर देंगे बढ़िया करके। करंटली वेयर इन टारगेट, और मैंने यहाँ से बेडशीट ले ली अपने लिए प्लेन व्हाइट, और हमें यहाँ से फैन लेना है और लैंप लेने हैं। लेकिन दोनों चीजें यहाँ, फैन तो अभी देखा नहीं हमने, लेकिन लैंप यहाँ पे है नहीं, लैंप नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी। अब हम किचन लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नए घर की जो चाबियाँ हैं वो 3 अलग अलग हैं, उसको जोड़ने के लिए, उसको एकजुट करने के लिए हमें यहाँ से किचन लेना पड़ेगा। तो हमें अभी अभी पता चला है कि हम जिस बिल्डिंग में घर ले रहे थे उन्होंने हमें निकाल दिया है। सीन हो गया, पता नहीं कोई तो लीगल पेपर का सीन था, नाम वाम गलत था राघव का, तो वो कह रहे हैं आपकी एंट्री नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता। तो हम यहाँ सारा सामान लेके सड़क पे आ गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। कॉमेडी। हम जा रहे हैं सब कुछ सामान रख के यहाँ पे,
अरे इसमें चाबी से फिर लॉक करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं बाय बाय बोल के, अभी कल आएंगे इसको अच्छे से सेटअप करने। अब वापस घर जा रहे हैं। होम टूर तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मिलेगा ही नहीं। मैंने भी सोचा था इस वीडियो में होगा, लेकिन अब नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है। एक काफी डायनेमिक अप्रोच है मेरी टूवर्ड्स व्लॉगिंग। तो अभी हम पेट्रोल भरवाने आ गए हैं, पेट्रोल नहीं यहाँ पे गैस कहते हैं, पर यहाँ खुद भरनी पड़ेगी। तो अभी आप भरने जाओ, मैं अभी चलता हूँ, मैं अभी देख लूंगा, रुको अभी मत भरना। हम यहाँ आ गए हैं पेट्रोल भरने, यहाँ पेट्रोल भरता है, यहाँ कार्ड डलता है, कोई देखना मत कार्ड। अच्छा पहले ही कार्ड लगाना पड़ता है यहाँ, पहले ऑथराइज करना पड़ेगा ना भाई ये क्या बात। अच्छा कोई पेट्रोल भर ले और पैसे ही ना हो उसके पास, तो सही बात है। तो अब आपने चूज तो किया नहीं कि कितने का भरना है? नहीं मैं रोक दूंगा ना उसको, जहाँ पे जितने का मेरे को भरना है। अच्छा हाँ नहीं ये भी सही है, रोक दूंगा, अगर फुल करना है तो फुल भी कर सकते हैं, वो अपने आप कट ऑफ हो जाएगा फिर। हाँ। अच्छा अच्छा सही है, मुश्किल नहीं है, इतना नॉर्मल है, कुछ नहीं है, आदत नहीं होती ना बस खुद करने की। तो बस इतना ही प्रोसेस था खुद से यहाँ पे पेट्रोल भरने का, गैस भरने का, गैस भरते हैं यहाँ पे दोनों का इसी वाले कैंपस में ज्यादा आना है। हम ये बेगल वाली प्लेस पे हैं, मैं पहली बार जिंदगी में बेगल ट्राई करूंगा, एंड एज यू गाइस नो आई एम द बेस्ट फूड ब्लॉगर ऑन द इंटरनेट, तो खाते और देखते हैं कि कैसा है। अब मैं पहली बार जो बेगल खाने वाला हूँ, वैसे ये बेगल है कि ये क्रिसॉन्ट में दिया ना इन्होंने, तो अब ये बेगल हुआ कि क्या हुआ? क्रिसॉन्ट ही हुआ, क्रिसॉन्ट हो गया ये, लेकिन ये ग्रिल्ड चिकन वाला है, पहली बार खा के देखते हैं कि कैसा है। फोन रखने की जगह नहीं है गाइस, बुरा बुरा है देखो भाई साहब, बढ़िया बना है, टेस्ट में तो बढ़िया है। आपका वाला कैसा है? मस्त लग रहा है, खा के देखो ये वाला भाई, एक वाला मैंने बड़ी मुश्किल से बस आ रखा है अपने हाथ में, बस चलाते हैं। ये ड्राइविंग फ्रेंडली नहीं है ये खाना, तो मैं रेड लाइट पे ही वेट कर रहा था, मिल गई मेरे को रेड लाइट। चलो अब हम अपना अपना खाना एंजॉय करते हैं, हमें चैन से खाने दो, बाय। तो भाई करंटली मैंने ये लाइम स्कूटर रेंट कर लिया है, तो मैं लाइम स्कूटर चलाने वाला हूँ। एक्चुअली ऐसे चलाना थोड़ा मुश्किल है, बट हम ट्राई करेंगे, एक हाथ से चलाना थोड़ा सा मुश्किल तो रहता ही है। मुझे लग रहा है या तो मैं गिरूंगा या फ़ोन गिरेगा, तो रख देते हैं फ़ोन को, और कोई ऑप्शन भी नहीं है।